हेलो एवरीवन, आज है 22 मार्च और जनता कर्फ्यू का दिन। और आप देख सकते हैं कि रोड्स आज बिल्कुल खाली है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और फुल सपोर्ट कर रहे हैं जनता कर्फ्यू को, दैट इज़ एप्रिशिएबल। इवनिंग के 4 o'clock हो गए हैं और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ इवनिंग स्नैक्स में आज भेल पूरी, जिसके लिए मैं थोड़ी सी कैरेट ग्रेट कर रही हूँ। 2 चम्मच के अराउंड मैंने यहाँ पे कैरेट ग्रेट कर ली है और इसके साथ साथ मैंने चॉप कर लिया है थोड़ा सा अनियन, टमाटो, अनार, नींबू और क्यूकम्बर, खीरा थोड़ा सा चॉप किया है और यहाँ पे इमली का रस है, थोड़ी सी नमकीन या सेव भुजिया इसमें डाली जाती है सेव, और रोस्टेड पीनट्स और पफ्ड राइस। तो सबसे पहले हम इन सबको मिक्स कर लेंगे एक बड़े से बोल में, प्याज, टमाटर, खीरा और अनार सबको मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच के अराउंड इमली का रस और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लिया है। इसमें आप डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है चाट मसाला 1 चम्मच। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें ऐड करेंगे पफ्ड राइस और सेव, मेरे पास सेव नहीं थी तो मैंने इसमें दूसरी नमकीन डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड पीनट्स। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, 2 मिनट में तैयार हो गए हमारी भेल पूरी। आप इसमें धनिया और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। तो कियाना के लिए मैंने अलग से निकाल दी है भेल पूरी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्च अपने लिए। तो देखिए, झटपट तैयार हो गई हमारी भेल पूरी, वो भी होममेड, हाइजीनिक। तो इवनिंग के 5 o'clock हो गए हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि 5 बजे सभी अपने घरों से बाहर निकल के आभार व्यक्त करें उन लोगों का जो सर्विसेज में लगे हुए हैं कोरोना क्राइसिस के टाइम में भी, तो सभी लोग 5 बजे घरों से बाहर निकल गए हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस अपील को प्रधानमंत्री की, और सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं हमारे मेडिकल वर्कर्स का, सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ का, बैंक वर्कर्स का और यूटिलिटी वर्कर, ग्रॉसरी वर्कर, जो भी हमारे डिलीवरी फोक्स हैं उन सब का। तो लोग घरों से बाहर निकल के क्लैपिंग कर रहे हैं, थाली बजा रहे हैं और घंटियां बजा रहे हैं और फुल सपोर्ट कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू एवरीवन हु इज़ वर्किंग टू कीप थिंग्स गोइंग इन दीज कोरोना क्राइसिस टाइम्स, थैंक यू ऑल। अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ और आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ भिंडी 2 प्याज़ा। तो भिंडी को हम बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। तो भिंडी मैंने यहाँ पे चॉप कर ली है और मैंने यहाँ पे 1 प्याज को लेके 4 पार्ट्स में कट कर लिया है। इसके अब हम सभी लेयर्स को अलग अलग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 अनियंस को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है तड़के के लिए और 2 टमाटर की प्योरी बना ली है। और अब बनाने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो तड़के के लिए सारा सामान तैयार हो गया है। अब हम मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। सबसे पहले हम भिंडी और प्याज को इसमें फ्राई करेंगे अलग अलग। तो गरम तेल में मैंने यहाँ पे भिंडी डाल दी है फ्राई करने के लिए,
भिंडी को हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे इसमें। जब थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी भिंडी और इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे भिंडी का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो हम गैस ऑफ करके अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। सेम पैन में मैंने थोड़ा सा और तेल ले लिया है और इसको गरम करके हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज के बड़े बड़े पीसेस कर लिए थे उनको। और प्याज को भी हम हल्का फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। जब इसका भी कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो हम गैस ऑफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ प्याज थोड़ा गोल्डन होने लगा है तो इसी स्टेज पे हम गैस ऑफ कर लेंगे और प्याज को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बारी आती है तड़के की। तो तड़के के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया है और ऑयल को गर्म करके इसमें सबसे पहले मैंने ऐड किए हैं सूखे मसाले, धनिया सीड्स, थोड़े से मेथी सीड्स, जीरा सीड्स और 2 सूखी लाल मिर्च। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है चॉप्ड अनियन। अनियन को हम पकाएंगे हल्का ब्राउन होने तक। इसमें मैंने अब ऐड कर लिया है जिंजर गार्लिक। तो जिंजर गार्लिक को भी हम पकाएंगे थोड़ी देर तक जब तक इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। और फाइनली ऐड कर दी है टोमेटो प्योरी। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और टमाटर को पकाना है हमने थोड़ी देर। टमाटर अब पक चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो भिंडी और प्याज फ्राई किया था उसको। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है भिंडी और मसाला को और इसको 4 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे आप कवर करके मीडियम फ्लेम पे। तो भिंडी को मैंने यहाँ पे पकने के लिए रख दिया है। जब तक भिंडी बनके तैयार होती है तब तक आटा बना लेते हैं चपाती के लिए। तो भिंडी को भी बीच बीच में चलाते रहें। पाँच से सात मिनट हो गए हैं, भिंडी हमारी अब ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला और अमचूर पाउडर। अभी इसको 2 मिनट के लिए और रखा है पकाने के लिए। भिंडी अब तैयार हो गई है और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर लिया है। अब बनाते हैं चपाती। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा सिंपल सा डिनर। मैंने लंच में सॉटेड ब्रोकली बनाई थी तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्रोकली बची हुई है दोपहर की। हाय ऑल, तो कैसा रहा आपका जनता कर्फ्यू? आई नो ये बहुत सक्सेसफुल रहा और देश के सभी लोगों ने इसे फुल सपोर्ट किया। लोग घरों से बाहर अननेसेसरी नहीं निकले, जिन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। और गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव था ये भी काफ़ी अप्रिशिएबल है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे कि हमने देखा है कि बाहर की यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या सिचुएशन है, ये वायरस कितनी स्पीड से फैल रहा है, तो इसको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। और
क्योंकि ये जो वायरस है ये ज़्यादातर आपस में कांटेक्ट से ही फैलता है, तो अगर हम आइसोलेटेड रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे और बाहर के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं ज़्यादा, तो इस तरह से हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज अपील की थी थैंक्स गिविंग की हमारे मेडिकल स्टाफ को और अदर वर्किंग स्टाफ जो हैं जिनकी सर्विसेज की हमें ज़रूरत है, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लोग घरों से बाहर निकले 5 बजे और पूरा इसको सपोर्ट किया। तो देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज भी बनता है कि हम इस टाइम कर्फ्यू या लॉकडाउन को फुल सपोर्ट करें, जहाँ तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें, और इस तरह हम देश हित के लिए, समाज हित के लिए और परिवार हित के लिए और सबसे पहले अपने हित के लिए सोच सकते हैं और कोरोना को बीट करने में अपने देश की और पूरे विश्व की मदद कर सकते हैं।